वेलकम स्टूडेंट्स, इंजियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी फ़ीस रिफंड के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंतज़ार में है कि भी कब हमारी फ़ीस रिफंड होगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा सुप्रीमेटरी जो राउंड होता है, सुपर नुमेरी राउंड होता है, उसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। मैं आपको इसके साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पोस्टन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो जेई मेन का रोल नंबर है वो एंटर करना है, और साथ में आपको अपना पासवर्ड है वो एंटर करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी फ़ीस रिफंड के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएट्स हो रहे हैं कि सर हमारी फ़ीस कब रिफंड होगी, कैसे रिफंड होगी और कितनी तारीख को रिफंड होगी। तो मैं आप सभी को डिस्कस कर लूँ, मैंने इनको दोबारा से ईमेल किया था तो इन्होंने कहा था कि भी हमारे 8 तारीख को आपकी जो रिपोर्टिंग है प्रोसेस है, आपका जो स्पेशल राउंड का राउंड सेकंड की जो रिपोर्टिंग चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो 9 अगस्त से लेके आपकी जो आगे जितनी भी तारीख तक इन्होंने दिया है, बस इन्होंने ये कहा है भी 9 अगस्त के बाद आपकी जो फ़ीस है वो रिफंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि भी आपको जो 8 तारीख को रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे फ़ीस रिफ़ंड करने का। अब सवाल ये आता है कि हमारी फ़ीस रिफ़ंड कहाँ होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपकी फ़ीस रिफ़ंड वहीं होगी जो आपने बैंक डिटेल एंटर की है। तो डायरेक्ट मैंने आपको उस टाइम भी काफ़ी बार भी कहा था कि भी आप अपनी बैंक डिटेल अच्छे से एंटर करना, अगर आपकी किसी तरीके की बैंक डिटेल में कोई गलती होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। तो उस टाइम आपने जो बैंक डिटेल भरी थी, आपने जो बैंक अकाउंट भरा था, वो चाहे आपने अपना खुद का भरा हो या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर का भरा हो, तो उसके अकाउंट में वो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी इसकी मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद इनकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके अंदर क्या लिखा आएगा या फिर किस तरीके का प्रोसेस होगा वो सारी डिस्कस हम इसके अंदर कर लेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर राउंड सेकंड के अंदर अगर हमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है तो क्या हमें फ़ीस मिल जाएगी। तो उनको फ़ीस मिलेगी, और जिनको अलॉटमेंट हो चुकी है और उन्होंने ली नहीं है फीस, या फिर किसी कारण उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हुए, तो उनकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। उनके बारे में अगर कुछ होता हुआ तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वो अभी मैं नहीं बना सकता, अभी हमारी रिपोर्टिंग चल रही है, तो एक बार और मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं कराई है उनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है तो प्लीज़ जाके वो अपनी रिपोर्टिंग करा ले। आपके पास कल का टाइम और है, कल का शाम का आपका 5 बजे तक का टाइम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने अपडेट किया हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के दी थी। तो आपको अभी 8 अगस्त 2018 तक अपनी अपडेट करवानी है, उसके बाद अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है तो जो फीस से रिफंड हमारे जो डिस्कशन होगी वो सारी हम उसके बाद चलेंगे। तो अभी आपको बस इंतज़ार करना है कि भी 8 तारीख को हमारी रिपोर्टिंग पूरी हो जाए, उसके बाद हमारी फ़ीस रिफंड होगी। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो प्लीज़ जाके वो अपनी रिपोर्टिंग करा ले, उनकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको जैसा कैसे कॉलेज मिला है तो वो प्लीज़ जाके अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के अपडेट के साथ। अगर आपको किसी तरीके के डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको किसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, उसके बारे में हम एक वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे। अब मैंने आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट और जो एजुकेशन लोन है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऊपर आई बेल पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अगर उनमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी अपडेट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।